अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमा की रात शुरू हो चुकी है। एक नसीहत मेरी याद रखना कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले सूरह अलिफ लाम मीम सजदा और सूरह मुल्क और सूरह बनी इसराइल और सूरह जुमर ये पढ़े बगैर कभी भी नहीं सोते थे, इसलिए आप इसका भी एहतमाम करें। सूरह मुल्क और सूरह अलिफ लाम मीम सजदा का तो मामूल है लोगों का, लेकिन सूरह बनी इसराइल और सूरह जुमर का नहीं है। इसको भी अपने मामूल में लाएं, चूंकि नबी की सुन्नत है। और दूसरी हदीस में यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसब्बिहात पढ़े बगैर कभी नहीं सोते थे। और वो छह सूरतें हैं, एक सूरह हदीद, एक सूरह हशर और एक सूरह सफ और एक सूरह जुमा और एक सूरह तगाबुन और एक सूरह आला। इसके पढ़े बगैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नहीं सोते थे, इसलिए आप इसका भी एहतमाम फरमाएं, क्योंकि नबी की ये सुन्नत है। कोई भी पढ़ लेगा, आप एक मरतबा भी पढ़ लेंगे तो भी सवाब मिलेगा, रोजाना की आदत डालोगे तो भी सवाब मिलेगा। नबी की सुन्नत में बहुत बरकत है, बहुत बरकत है, बहुत बरकत है। और जब भी सूरतें पढ़ लो, इसी तरह से सूरह वाकया भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, सूरह दुखान भी पढ़ते थे। ये रात के मामूलात में था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जब ये सूरतें पढ़ लो तो एक दुआ जरूर कर लो कि अल्लाह इस कुरान में मेरे हिस्से की जो हिदायत है मुझे अता फरमा। और अब शब जुमा है, मेरा भी कुरान खत्म हुआ है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो लोग ये मैसेज को आगे पहुँचाते हैं और इस पर अमल करते हैं और इसको जो है एक दूसरे को पहुँचाने की कोशिश करते हैं, इनकी जान में, इनके माल में, इनके ईमान में, इनके आबरू में, इनके इज्जत में और इनके क़यामत तक के आने वाली नस्लों में अल्लाह बेहतरीन बरकत का मामला फरमा। और अल्लाह यही दुआ हमारे लिए भी कबूल फरमा। अभी मेरा कुरान शरीफ भी ख़त्म हुआ है, एक हफ्ते में कुरान ख़त्म करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब कुरान भी ख़त्म हुआ, कुरान ख़त्म होने पर दुआ कबूल होती है। यह दुआ है मेरी आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला दुनिया में भी आपको जन्नत दे और आपके क़यामत तक के आने वाली नस्लों को भी जन्नत दे और मरने के बाद भी अल्लाह जन्नत दे। और जिस अल्लाह ने हमें ये काम करने की तौफीक दी वो अल्लाह कबूल भी फरमाए। यह दुआ अल्लाह ताला मेरे लिए भी आपके लिए भी अल्लाह कबूल फरमाए। और जहाँ जहाँ ये आवाज़ पहुँचती हो अल्लाह ताला इनकी क़यामत तक के आने वाली नस्लों को कबूल फरमाए। कुरान शरीफ पूरा होने के बाद भी दुआ कबूल होती है, इसलिए मेरी नसीहत याद रखना, सूरह हदीद, सूरह हशर, सूरह सफ, सूरह जुमा, सूरह तगाबुन, सूरह आला, ये मुसब्बिहात हैं। इसको पढ़े बगैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नहीं सोते थे। और सूरह अलिफ लाम मीम सजदा, सूरह मुल्क और सूरह बनी इसराइल और सूरह जुमर, इसके पढ़े बगैर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नहीं सोते थे। इसको अपने अहतमाम में लाओ। 26 सूरतें छपी हैं, मार्केट में बहुत चल रही हैं, लेकिन किसी ने भी सूरह बनी इसराइल और सूरह जुमर को दाखिल नहीं किया है। अल्लाह करे कि उनको दाखिल करने की तौफीक मिल जाए, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी दुआ उन लोगों के लिए है जो इस काम में मदद कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। शब जुमा है, दुरूद शरीफ का भी बहुत एहतमाम करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।